टू माई YouTube चैनल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इस का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के पर्पज के लिए और नीट के पर्पज के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं द ऑफ ऑफ स्प्रिंग टू देयर पेरेंट ऐसी कौन सी टेडेंसी है जो कि पेरेंट से उनके ऑफिस में ट्रांसफर होती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है रिजम्बलेंस दूसरा ऑप्शन है वेरिएशन तीसरा हेरिडिटी और चौथा इनहेरिटेंस हेरिडिटी क्या होता है जब पेरेंट से लेकर करेक्टर उनके ऑफिसरिंग में ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी सो द करेक्ट आंसर इज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोहाइब्रिड रेशियो इज हमें मोनोहाइब्रिड रेशियो बताना है चलो देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड रेशियो कैसे निकालते मेंडल ने सबसे पहले टॉल प्लांट की क्रॉसिंग कराई थी किसके साथ डॉर प्लांट के साथ कैपिटल टी लिया था कैपिटल टी टॉल के लिए डॉर्फ के लिए क्या लिया था स्मॉल टी स्मॉल टी देखते हैं इसकी क्रॉसिंग कराने के बाद हमारा रेशियो क्या आता है स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी उसके बाद फिर मेंडल ने इसी के सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी कैपिटल टी स्मॉल टी देन इधर भी लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी ये दोनों क्या है डोमिनेंट है तो ये क्या होगा टॉल प्लांट ये क्या है टॉल है इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो कैपिटल टी क्या है ये डोमिनेंट है ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा स्मॉल टी क्या है रसीव है अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये भी क्या होगा ये भी टॉल होगा और ये भी क्या होगा ये भी टॉल होगा इसमें दोनों ही रसीव हैं तो ये क्या होगा ये डॉर्फ होगा तो तीन कैसे आ रहे हैं टॉल आ रहे हैं और एक कैसा आ रहा है एक कैसा आ रहा है डॉर्फ आ रहा है तो रेशियो क्या होगा सो द करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल एक्सप्रेशन और एप्रिय ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जो फिजिकल कैरेक्टर हमें दिखाई देता है या फिजिकल एप्रियंसेस जो होता है उसे क्या कहते हैं पहला ऑप्शन दिया है इको टाइप दूसरा है फिनोटाइप तीसरा है मॉर्फोलॉजी और चौथा दिया है जीनोटाइप जीनो टाइप क्या होता है जेनेटिक अप्रियंसेस और फिजिकल एप्रियंसेस क्या होता है उसे कहते हैं फिनोटाइप ऐसे हम याद कर सकते हैं फिजिकल पी से फिजिकल और पी से क्या होता है फिनोटाइप होता है करेक्ट आंसर इज बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड जीन के अल्टरनेट फॉर्म को क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है एलियस दूसरा है डोमिनट कैरेक्टर तीसरा है रेसिप कैरेक्टर और चौथा दिया अल्टरनेट जीन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलियस सो द करेक्ट आंसर इज ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईज गैमिट कैरी हर एक गैमिट जो होता है वो कितने एलियस को कैरी करता है पहला ऑप्शन दिया ओनली वन ऑफ द एलियस दूसरा दिया ओनली रेसिव एलिन तीसरा दिया है ओनली डोमिनेट एलियस और चौथा दिया है ग्लूकोज हर एक जो गैमिट होता है ईच गैमिट कैन कैरी ओनली वन ऑफ द एलेन्स एक गैमिट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिन को ही कैरी करता है सो द करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड टू determine द होमोजाइगस एंड heterozygous ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऐसा कौन सा सबसे अच्छा मेथड है जिसमें हम बहुत ही easily आइडेंटिफाई कर सकते कि इसको होमोजाइगस कंडीशन और heterozygous कंडीशन को पहला ऑप्शन दिया टेस्ट क्रॉस दूसरा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन तीसरा दिया इनब्रीडिंग और चौथा बैक क्रॉस हम जो है टेस्ट क्रॉस में बहुत अच्छे से माइन कर सकते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ए सभी बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे एक्चुअली टेस्ट क्रॉस होता क्या है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन एलियस ऑफ टू कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर दो एलि प्रेजेंट है जैसे हम सपोज करते हैं कैपिटल टी प्रेजेंट है कि स्मॉल टी प्रेजेंट है ठीक है द कैरेक्टर एक्सप्रेस एंड द अदर रिमेन हिडन दिस इज कॉल्ड एक अपने कैरेक्टर को क्या है एक्सप्रेस कर रहा है एक अपने कैरेक्टर को हाइड कर ले रहा है जैसे कि जो घर में बड़ा हो तो उसकी ज़्यादा चलती घर में जो छोटा उसको उसको नहीं उसकी नहीं चलती जैसे ये कैपिटल टी है ये क्या करेगा वो बोलेगा मैं अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूँगा और स्मॉल टी के कैरेक्टर को क्या करेगा वो हाइड कर देगा दबा देता है तो वो जो ये जो हमें देखने को मिल रहा है जो इसमें बताया जा रहा है ये एक्चुअली कौन से लॉ में बताया गया है पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ कैमिट्स तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट और चौथा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बताया गया था एक करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा क्या करेगा अपने आप को हाइड कर लेता है सो द करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया चलो निकालते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है कैपिटल टी कैपिटल टी और क्रॉसिंग हमें करानी कैपिटल टी स्म टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी अब देखते हैं इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है प्योर टॉल प्लांट कितने हैं एक है और हाइब्रिड टॉल प्लांट कितने हैं दो हैं और एक प्योर डॉ प्लांट है कितना है एक है एक क्या है प्योर टॉल है दो क्या है हाइब्रिड टॉल है और एक कैसा है एक प्योर डॉर्फ है तो रेशियो क्या है वन रेशियो टू रेशियो वन सो द करेक्ट आंसर इज ए ये क्या आता है जीनोटिपिक रेशियो किसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है वन रेशियो टू रेशियो वन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉसिंग ऑफ एफ वन टू एनी वन ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग कराना किसकी क्रॉसिंग कराना एफ वन जनरेशन जो आता है रिजल्ट उसकी क्रॉसिंग कराना किसी भी पेरेंट के साथ तो उसे क्या कहते पहला ऑप्शन है एफ वन क्रॉस दूसरा है टेस्ट क्रॉस तीसरा है रिकम्बिनेशन और चौथा दिया है बैक क्रॉस जब हम एफ वन की क्रॉसिंग कराते किसी भी पेरेंट्स के साथ तुसे कहते बैक क्रॉस सो द करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेन्टीन एक्सपेरिमेंट वॉज मेन रीज़न क्या था जिसकी वजह से मेंडल मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया था पहला ऑप्शन है गार्डन पी वॉज़ क्रॉस ब्रीडिंग दूसरा ऑप्शन है गार्डन पी वॉज ईजिली अवेलेबल तीसरा है गार्डन पी वॉज हेट्रोजाइगस और चौथा दिया है गार्डन पी वॉज ट्रू ब्रीडिंग मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस किस पे किया था मेंडल ने जो है पी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से मंडल ने पी को सिलेक्ट किया था पहला रीज़न तो यही है यह, जो पी प्लांट होता है वो कैसा होता है ट्रू ब्रीडिंग होता है ईजली अवेलेबल भी होता है और उसकी बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट होती इसी वजह से मेंडल ने पी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था और किसी भी प्लांट को नहीं लिया था तो इसमें क्या होगा मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेस क्यों हुआ था क्यों क्योंकि गार्डन पी कैसा होता है ट्रू ब्रीडिंग होता है सो द करेक्ट आंसर इज़ डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कब होता है पहला ऑप्शन दिया गैमेट फॉर्मेशन दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन तीसरा है ड्यूरिंग माइटोसिस डिवीजन और चौथा दिया है ड्यूरिंग इक्वेशनल डिवीजन सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग गैमिड फॉर्मेशन सो द करेक्ट आंसर इज ए क्यों क्योंकि क्यों क्यों गैमिड फॉर्मेशन के समय ही क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रोमोसोम विद सब टर्मिनल सेंट्रोमर नियर द मिडिल इज कॉल ऐसा क्रोमोसोम जिसके कुछ टर्मिनल उसके टर्मिनल प्रेजेंट हो कहाँ पे प्रेजेंट हो सेंट्रोमर पे प्रेजेंट हो नियर द मिडिल पीस उसे क्या कहते हैं उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्या बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक सो द करेक्ट आंसर इज बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिनोमिनल लिंकेज ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो कि लिंकेज के जस्ट अपोजिट वर्क करता है पहला ऑप्शन है म्यूटेशन दूसरा सेग्रीगेशन तीसरा क्रॉसिंग ओवर और चौथा दिया है इंटरडिपेंडेंट लिंकेज होता है ये सेग्रीगेशन के जस्ट अपोजिट वर्क करता है किसके अपोजिट वर्क करता है सेग्रीगेशन के अपोजिट वर्क करता है सो द करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉटिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज फर्स्ट ऑप्शन इज जेनेटिक मैप ओनली एंड सेकेंड इज लिंकेज मैप ओनली एंड थर्ड इज क्रोमोसोम मैप ओनली एंड फोर्थ इज क्रोमोसोम मैप या हम बोल सकते उसे लिंकेज मैप या हम बोल सकते हैं जेनेटिक मैप द करेक्ट आंसर इज डी दे नेक्स्ट क्वेश्चन इज में फैक्टर ओवर जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज जो मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था वो क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है पास होता है बट उसे अभी हम प्रेजेंट टाइम पे क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है ट्रेड दूसरा डी एन ए तीसरा है क्रोमोसोम और चौथा है जीन उसे क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर इज डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऐसा जीन जिसको कोडिंग की जाती किसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए बोले या हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के लिए पहला ऑप्शन है हेट्रोजेनिक दूसरा ऑप्शन है पॉलीजीन तीसरा है होमोलॉगस एलिनस और चौथा दिया है एलिन दिया गया है जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज एलिन उसे क्या बोलते हैं ऐसा जीन जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के लिए या कैरेक्टर के लिए उसकी पेयरिंग की जाती है या कोडिंग की जाती उसे क्या बोलते हैं एलिन सो द करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एलिस्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑन दो एलिज जो जीन की पेयरिंग होती है वो एक होमोलॉगस साइट में प्रेजेंट है मतलब हमें ये बताना है उस टाइप के जीन को क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरा ऑटोसोमल क्रोमोसोम तीसरा है हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम और चौथा दिया सेक्स क्रोमोसोम जब दो एलिस जीन की जो पेयरिंग है वो प्रेजेंट है एक होमोलॉगस साइड पे तो उसे बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स करेक्ट आंसर इज ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप डिस्टेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कैलकुलेटेड बाय जो जीन की मैप डिस्टेंसिंग होती है उसको किससे कैलकुलेट किया जाता है पहला ऑप्शन है क्रॉस ओवर परसेंटेज दूसरा है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच जीन लोकस और तीसरा दिया है नॉन क्रॉस ओवर परसेंटेज और चौथा दिया नंबर ऑफ न्यूटेंट जीन उसको मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस ओवर परसेंटेज सो द करेक्ट आंसर इज ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड कंट्रोल बाय जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऐसा ट्रेड जो जीन को कंट्रोल कर रहा है और वो प्रेजेंट कहाँ पे वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं उस टाइप के ट्रेड को पहला ऑप्शन है सेक्स लिंक ट्रेड दूसरा है ऑटोसोम तीसरा है सेक्स लिमिटेड ट्रेड और चौथा दिया गया है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड जो ट्रेड कंट्रोल करता है जिनको प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे उसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड क्या बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड सो द करेक्ट आंसर इज ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ऑर्गेनिज्म मेल कंटेन अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम विसाइड ऑटोसोम ऐसा कौन सा organism है इन चारों में से जिसके पास पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम present होता है वो भी किसके पास मेल के पास किसके पास मेल के पास जबकि मेल कैसा होता है हर एक कंडीशन में मेल हैट्रोजाइगट बर्ड जो है बर्ड के कंडीशन में क्या होता है मेल जो होता है वो होमोजाइगस होता है मीन्स उसका जो जाइगोट मीन्स उसका जो एलिन होता है वो क्या होता है सेम होता है किसके कंडीशन में बर्ड्स के कंडीशन में सो द करेक्ट आंसर इज ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंकेज इज द हमें ये बताना है लिंकेज क्या होता है पहला ऑप्शन दिया फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दूसरा दिया है जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन तीसरा है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम चौथा दिया है जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन कम्बिनेशन लिंकेज क्या होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन फिजिकल एसोसिएशन दो जीन के बीच के फिजिकल एसोसिएशन और दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए सेम क्रोमोसोम पे कहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए सो द करेक्ट आंसर इज ए दे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन परसन विद ब्लड ग्रुप ए पॉजिज कोई पर्सन है ब्लड ग्रुप उसका ए है उसके पास क्या कितना एंटीजन प्रेजेंट होगा एंटीजन प्रेजेंट होगा कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा हमें यह बताना है पहला ऑप्शन है एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी बी दूसरा ऑप्शन है एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए तीसरा ऑप्शन है नो एंटीजन एंड नो एंटीबॉडी और चौथा दिया एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी जिस पर्सन का भी ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी क्या होगा बी सो द करेक्ट आंसर इज डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट क्रॉस इज क्रॉसिंग बिटवीन टेस्ट क्रॉस को किसके किसके बीच में क्रॉसिंग करके बनाया जाता है पहला ऑप्शन है जीनोटाइप विद डोमिनेंट रेड दूसरा ऑप्शन है जीनोटाइप विथ रेसिप्टेट तीसरा है टू एफ वन हाइब्रिड और चौथा दी एफ वन हाइब्रिड विद डबल रेसिप टेस्ट क्रॉस को क्रॉसिंग की जाती है किसके किसके बीच की क्रॉसिंग की जाती है एफ वन हाइब्रिड और दो जो है डबल रेसिव कैरेक्टर होने चाहिए सो द करेट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिकल्सल अनेमिया ग्लुटमिक एसिड इज रिप्लेसड बाई वैलिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वैलिन सिकल्सल अनेमिया में क्या होता है ग्लुटमिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है वैलिन आ जाता है हमें यह बताना है कि इन सारे ट्रिपलेट कोडॉन में किसकी कोडिंग की जाती है वैलिन के लिए वैलिन के लिए कोडिंग की जाती है जी यू जी की किसकी की जाती G -G की. So, is, है जी यू जी की सो द कर आंसर इज डी दैक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन हैविंग जीनोटाइप एक पर्सन है जिसका जीनोटाइप है आई ए आई बी वुड शो द ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप शो कर रहा है जैसे कि अगर आई ए है और आई बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा ए बी ब्लड ग्रुप शो करेगा क्यों शो करेगा पहला ऑप्शन है फिलोट्रॉपी दूसरा है को तीसरा है सेग्रीगेशन और चौथा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये इस तरीके का जो शो कर रहा है ब्लड ग्रुप इसलिए शो कर रहा है ड्यू टू द कोडोमिनंस किसकी वजह से को की वजह से सो द करेक्ट आंसर इज बी